तक जरा बताइए यूपी के जिन इलाकों में वोटिंग है वहां पर क्या लग रहा है, माहौल क्या है वहां पर? देखिए मानक जी, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कल मतदान होना है 19 तारीख को। उसकी पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से भी की गई है और तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी पूरी ताकत उन 8 सीटों को लेकर लगाई गई है। लेकिन आप देखिए कि जिन 8 सीटों पर कल उत्तर प्रदेश में मतदान होने वाला है, अगर पिछले आप लोकसभा चुनाव की बात कीजिए तो उसमें से तकरीबन 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन के तहत पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास पिछले लोकसभा चुनाव में गई थी, जिन 8 सीटों पर कल होने वाला है। दूसरी बात अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जैसे अगर आप रामपुर सीट की बात कीजिए जहां पर टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति रही, आपको ध्यान होगा नामांकन के वक्त भी ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का असली उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक बयानबाजियां देखने को मिली। मुरादाबाद की सीट पर भी ठीक इसी तरह का मामला देखने को मिला था जब एसटी हसन का टिकट काट दिया गया था और उनकी जगह रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो ये दो लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन का गढ़ हो सकती है, लेकिन वहां पर भी चुनावी मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा अगर आप सहारनपुर की बात कीजिए तो इमरान मसूद के समर्थन में आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा रोड शो भी किया उत्तर प्रदेश में और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा चुनाव की प्रचार की शुरुआत प्रियंका गांधी ने कहीं से की तो वो सहारनपुर से की, जहां पर वो इमरान मसूद के साथ रोड शो करती हुई नजर आई थी, जिस दिन गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके अलावा अगर आप जो नगीना लोकसभा की सीट है जहां पर चंद्रशेखर रावण, उनके लिए भी सियासी तौर पर बहुत वो चुनाव अहम माना जा रहा है, बहुत ताकत उनकी तरफ से भी लगाई गई है और पीलीभीत से खुद जितिन प्रसाद इस बार चुनावी मैदान में है, उनके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जनसभा भी की है। तो उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर कल मतदान होना है उसको लेकर तमाम सारे सियासी दलों की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है, लेकिन यह बात बीजेपी की तरफ से शुरुआती दौर से कही जा रही है कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले किया, चुनाव प्रचार की शुरुआत पहले की और पूरी की पूरी भगवा फौज अगर आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण को लेकर, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, या ब्रजेश पाठक हो, या तमाम सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हो, लगातार वो ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं करते हुए देखे गए हैं और प्रचार के मामले में ये बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार कही जा रही है कि हम लोगों ने जब प्रचार वहां समाप्त कर दिया तब विपक्ष के नेताओं ने वहां पर प्रचार शुरू किया, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है। अगर आप किसी भी बीजेपी नेता से बात करेंगे तो उनकी तरफ से यही बात कही जाएगी कि हम लोगों ने प्रचार पहले शुरू भी किया, उम्मीदवार भी पहले लाए और हम लोगों ने जब कल भी आप देखिए कि जब मतदान होगा पहले चरण का तो कल तमाम सारे नेताओं की दूसरे जिलों में रैलियां आयोजित की गई हैं, जनसभाएं आयोजित की गई हैं। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले चरण के चुनाव में कुछ सीटें। ऑलराइट अशोक, थैंक यू फिलहाल इस जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।